16 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि में गोचर करेंगे। सूर्य अपनी राशि में 16 अगस्त को प्रवेश करेंगे, जहां बुध और शुक्र के साथ सूर्यदेव की युति बनेगी। सूर्यदेव के अपनी सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद त्रिग्रही योग बनेगा, जिससे राशि चक्र की बहुत सी राशियों को धन लाभ, संपत्ति लाभ और दुखों से छुटकारा मिलेगा। इस दौरान सूर्य की शुक्र ग्रह के साथ युति होने से जहां सिंह राशि में शुक्रादित्य योग बनेगा, वहीं बुध के साथ सूर्य की युति होने से बुध आदित्य योग बनेगा। 16 अगस्त को सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से राज लक्ष्मी और बुध आदित्य योग से कई राशियों की किस्मत पर लगे ताले खुल जाएंगे। सूर्य देव के अपने ही सिंह राशि में प्रवेश करने की और अधिक जानकारी करने के लिए हमने हरिद्वार के एक्सपर्ट ज्योतिषी पंडित शशांक शेखर शर्मा से बातचीत की। उन्होंने सूर्य के सिंह राशि में गोचर को लेकर लोकल 18 से क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, सिंह राशि पर त्रिग्रह योग का अर्थ है कि तीन ग्रह आ रहे हैं और 16 तारीख से आ रहे हैं। 16 तारीख को सूर्य सिंह राशि पर आ जाएंगे और वो एक महीने के लिए रहेंगे, लेकिन पहले से ही शुक्र बुध उस राशि पर हैं। तो तीन ग्रह से यहाँ पर एक तो बुध आदित्य योग बन जाता है सूर्य और बुध से, दूसरा शुक्र और बुध से लक्ष्मी योग या राजलक्ष्मी योग भी इसको कहते हैं, ये बनता है। तो सिंह राशि वालों के लिए तो सबसे अच्छा है ये, क्योंकि सिंह राशि के लिए धन स्थान का स्वामी भी, लाभ स्थान का स्वामी भी, तृतीयेश यानी कर्म स्थान जिससे ये अपने स्ट्रेंथ करते हैं, डेली का जो वर्क करते हैं उसका, और जो इनका कर्मेश है दशम भाव का स्वामी, वो सब यानी कि शुक्र और बुध उसको आधिपत्य दे रहे हैं इन भावों को। तो आर्थिक रूप से भी ये काम अच्छा है और जिस काम में ये लगे हुए हैं, जो प्रोफेशन इनका है, उसमें भी इनको लाभ मिलेगा। साथ में पदोन्नति मिलेगी यानी कि प्रमोशन मिलेगा अगर प्राइवेट जॉब वाले हैं, और अगर ये कोई अपनी सरकारी नौकरी वाले हैं तो इनको कोई सीनियर पोजीशन मिल सकती है। तो इस तरह का सिंह राशि वालों के लिए चल रहा है। साथ में अगर हम बात करें तुला राशि की, तुला राशि से लाभ स्थान पर ये तीन ग्रह हैं, तो तुला राशि वालों के लिए परिवार में कोई खुशी का अवसर आने वाला है, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, किसी का घर में रिश्ता हो सकता है, और तुला राशि वालों के लिए संपत्ति से संबंधित भी अचानक लाभ का योग इस समय बना हुआ है। आगे बात करें, यदि यहाँ देखें वृष राशि, वृष राशि के गुरु और मंगल वृष राशि में युति कर रहे हैं, तो गुरु और मंगल आपस में ही युति कर वृष राशि वालों को आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से जो समस्या चल रही थी उसमें लाभान्वित कर रहे हैं। साथ में वृष राशि से ये त्रिग्रह योग सुख स्थान पर है, तो सुख स्थान का अर्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर वाहन सुख भी ये दे सकता है, संपत्ति सुख भी दे सकता है, परिवार में विशेष रूप से माता को अगर कोई कष्ट है तो उससे भी वो निवारण देगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान माता का भी होता है। तो विशेष रूप से तुला राशि, वृष राशि और सिंह राशि स्वयं के लिए बहुत लाभान्वित रहने वाली है तीन राशि।